हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। अक्सर मैं आपको शिक्षा भर्ती से जुड़ी जानकारी देता रहता हूं दोस्तों, लेकिन आज का वीडियो थोड़ा अलग है। इसे आप थोड़ा सेंसिटिव कह सकते हैं या मेरी थोड़ी सी अपील कह सकते हैं। मॉर्निंग में मैंने आपको कम्युनिटी टैब में एक कमेंट शेयर की थी दोस्तों, और ये अंकिता खरे जी की कमेंट थी, जो रेगुलर आप देखते होंगे उनके कमेंट मेरी वीडियो पे आते रहते हैं। और उन्होंने अपनी व्यथा मेरे साथ शेयर की थी कि सर, इतने अच्छे नंबर आने के बाद, चयन सूची में मेरा नाम आने के बाद ये कहा जा रहा है कि जो भर्ती है वो अब निरस्त होगी। तो ये उनको बहुत बात जो है नागवार गुजरी दोस्तों, और मुझे लगा कि इस पर मुझे वीडियो लाना ही चाहिए। मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि जो भर्ती निरस्त के जो एक टॉपिक होता है, इसे हम एक टॉपिक ही कहें, तो ये जो टॉपिक होता है वो ज़्यादा व्यू गेन करता है। तो ये जो भर्ती निरस्त है, आपकी भर्ती का नोटिफिकेशन भी जारी नहीं हुआ था, उस समय से अस्तित्व में था और पूरा समय तक अस्तित्व में बना रहा, क्योंकि अब फाइनली आपका वो मोमेंट आ रहा है कि जब आपकी फाइनल चयन सूची हो या फाइनल वेटिंग सूची हो, वो मई में जारी होगी। तो ये अब लास्ट टाइम है कि जिससे इतना भी जितना भी हम व्यू कमा सकें, ठीक है, कमा सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि भर्ती कैसे भी निरस्त नहीं होगी, भर्ती में संशोधन हो सकते हैं। कोर्ट में बहुत से लोग गए हैं और उनका ये हक है दोस्तों, इसमें भी आपको वो नहीं होनी चाहिए, ऑब्जेक्शन क्यों नहीं होना चाहिए, मैं आपको बताऊं कि पहले हम विभाग पर अपील करते हैं कि हमारी ये विसंगतियां हैं, इन्हें दूर कर दें, जिससे कि हमें वो लाभ नहीं मिल पा रहा है इस भर्ती में जो मिलना चाहिए। यानी कि हमारी अच्छे नंबर भी हैं लेकिन कुछ विसंगतियां हैं जिनके चलते हम बाहर हो रहे हैं। ऐसे बहुत से स्टूडेंट मानते हैं और अपने तथ्य रखते हैं विभाग के सामने, ठीक है दोस्तों, इस बात को ध्यान से समझना, विभाग के सामने। अब विभाग में जब उनकी सुनवाई नहीं की जाती और उन्हें मालूम है कि हमारा जो हम डिमांड कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, हम अपनी जगह सही है, लेकिन उनकी जब डिमांड मानी नहीं जाती, तो फिर उनके पास सिर्फ न्यायालय ही एक रास्ता बचता है। अब जब वो न्यायालय की शरण में जाते हैं तो न्यायालय पूरे प्रकरण की जाँच करता है, दोनों पक्षों को सुनता है, और जो न्याय उचित होगा वो फैसला वो देते हैं। उसके तहत फिर आपकी शिक्षा भर्ती में संशोधन किया जाता है, निरस्त नहीं की जाती, उसके तहत आपकी शिक्षा भर्ती में संशोधन किया जाता है, और संशोधन से उन लोगों को लाभ मिल जाता है जो विसंगतियों के चलते इस जो आपकी ज्वाइनिंग है उससे बाहर हो गए थे, ठीक है दोस्तों। तो इतना सा, लेकिन इस बात को यदि इस तरह से पेश की जाए कि अब कोर्ट में मामला चला गया है और अब ये भर्ती निरस्त हो सकती है, तो इसका रूप बदल जाता है, और जब रूप बदल जाता है तो बहुत से लोग जिनकी अच्छी रैंकिंग आई है, जिनका चयन सूची में नाम आ चुका है, वहां पर वो सेंसिटिव, यदि मैं कहूं कि कोमल हृदय के हैं, तो वो उस चीज को अलग तरीके से ले जाते हैं, जबकि वो ठीक नहीं है। आप सच्चाई को उसी हिसाब से देखो जिस हिसाब से वो है, और ये राइट सभी के पास है, ये राइट उनके भी पास है जिनका सिलेक्शन हो चुका है, ये राइट उनके भी पास है जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, कि यदि उन्हें लगता है कि हमारी बात विभाग में नहीं सुनी जा रही है तो वो न्यायालय में जाते ही हैं। और जितनी भी भर्ती भारतवर्ष में शिक्षक से जुड़ी हुई हैं और बड़े पैमाने पर होती हैं, उन पर केस आते ही हैं, न्यायालय की शरण में बहुत से लोग जाते ही हैं। लेकिन अधिकांश भर्ती, और मैं बात करूं मध्य प्रदेश की, कभी भी कोई भर्ती शिक्षा भर्ती से जुड़ी निरस्त आज तक नहीं हुई है। मध्य प्रदेश का आप रिकॉर्ड उठाकर देख लें, जितनी भी भर्तियां हुई हैं शिक्षा भर्ती में, लोग न्यायालय में गए हैं, संशोधन हुए हैं, संशोधन के बाद आपकी लिस्ट जारी हुई है, आपको ज्वाइनिंग दी गई है, लेकिन भर्ती निरस्त नहीं की गई है। तो आज का वीडियो उन सेंसिटिव लोगों के लिए है, या मैं कहूं कि उन कोमल हृदयों के लिए है जो इस बात को नहीं देख पा रहे हैं कि न्यायालय में जाना मीन्स अपने न्याय की मांग करना, और आप एक शिक्षक हो, जागरूक शिक्षक हो, अपने जो अधिकार हैं उसके प्रति सचेत हो, तो यदि उन्हें लेकर आप न्यायालय में कुछ भी डिमांड करते हैं और फिर उससे संज्ञान में लिया जाता है, और उसे संज्ञान में लेकर फिर उसके अकॉर्डिंग फैसला दिया जाता है, और फिर आपकी जो भर्ती है उसमें संशोधन किया जाता है, तो इससे आपको लाभ ही है, नुकसान कुछ भी नहीं है दोस्तों, ठीक है। लेकिन इसे इस तरह से पेश करना कि आपकी जो भर्ती है उस पर रोक लगा दी जाएगी, आपकी भर्ती जो है वो कैंसिल कर दी जाएगी, तो वो एक अलग टॉपिक है, वो एक व्यू का टॉपिक हो जाता है,
जैसे कि मैं आपको क्लियर करूं और अच्छे से, आपकी जब नोटिफिकेशन नहीं आया था दोस्तों, उस समय ये कहा गया था कि भर्ती तो कैंसिल है, नोटिफिकेशन नहीं आना है। नोटिफिकेशन भी जारी हो गया तो फिर ये कहा गया कि नोटिफिकेशन भले ही जारी हो जाए, आपके एग्जाम नहीं होंगे, भर्ती तो कैंसिल है। आपकी एग्जाम डेट एक महीने आगे बढ़ा दी गई तो कहा कि वो भर्ती तो होनी नहीं, एग्जाम होने नहीं, भर्ती तो कैंसिल है। आपका रिजल्ट नहीं आ रहा था तो ये कहा गया कि आपका रिजल्ट आना ही नहीं है, भर्ती तो कैंसिल है। आपका रिजल्ट भी जारी हो गया तो उन्होंने कहा कि अब आपकी जो काउंसलिंग है वो होनी ही नहीं है, भर्ती तो कैंसिल है। आपकी अब काउंसलिंग भी हो रही है और मई में आपकी जो चयन सूची है वो भी जारी होनी है और वेटिंग लिस्ट भी जारी होनी है, तब भी ये मुद्दा है कि भर्ती तो कैंसिल होनी है। कारण कुछ भी हो और कहीं से कोई चीज भी जोड़कर उससे कनेक्ट करके लगा दी जाए और ये आपको बताया जाए कि भर्ती कैंसिल है, तो आपको भी वहां पर समझना चाहिए दोस्तों, क्योंकि आप वर्ग एक और वर्ग दो के एग्जाम दिए हो दोस्तों। आपको मालूम है कि कोई भी विसंगतियां पाई जाती हैं, विभाग नहीं सुनता है तो लोग न्यायालय में जाते हैं और न्यायालय उस चीज को संज्ञान में लेकर दोनों पक्षों को सुनकर जो न्याय उचित होता है उस हिसाब से फैसला या डिसीजन देते हैं और फिर संशोधन होता है। एक एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ। वर्ग एक के हिंदी के एग्जाम हुए थे, उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिनके जिन्होंने पिटीशन दायर की थी उनके हिसाब से वो क्वेश्चन बिल्कुल सही थे और उन्होंने उस पर आवेदन भी लगाए थे कि ये क्वेश्चन हमारे सही थे लेकिन आपने हमारे नंबर काट लिए तो प्लीज इन्हें करेक्ट कर दें। तो विभाग ने ये कहा कि नहीं, हमने तो बिल्कुल सही आपको आंसर शीट दी है और जो आप बता रहे हो जिन क्वेश्चन के उन्हें हम नहीं बदलेंगे क्योंकि हमारे हिसाब से जो आंसर है वो सही है। तो फिर वो लोग न्यायालय की शरण में गए, न्यायालय में बकायदा वो देखा गया और वो क्वेश्चन के आंसर चेक किए गए तो उन्होंने जो पिटीशन दायर की थी वो अपने जगह सही निकली। तो फिर आपको वर्ग एक हिंदी का जो रिजल्ट है वो फिर से जारी किया गया संशोधन के साथ और वो जो क्वेश्चन थे उन्हें करेक्ट माने गए और जिन्होंने लगाया था और जिनके अलावा जिन्होंने भी उन आंसर सही दिए थे उन सभी के नंबर बढ़ा दिए गए। तो दोस्तों ये होता है आपका मौलिक अधिकार, ये होता है आपकी जागरूकता, ये होता है अपने न्याय के लिए मांग करना दोस्तों, और इसमें कोई भी गलती नहीं है, ये बिल्कुल अपने आगे सही है। लेकिन इसे इस तरह से जोड़ देना कि आपकी भर्ती निरस्त होगी, ये होगा, ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। इससे बहुत से सेंसिटिव जो लोग हैं वो हर्ट हो जाते हैं और अपनी तबीयत भी खराब कर लेते हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि 10 मार्च से पहले आपके जो एग्जाम थे लास्ट वर्ग दो का 10 मार्च को था, उससे पहले कट ऑफ चलाई जा रही थी और 6 मार्च को मैं लास्ट वीडियो अपना लाया था और मुझे लगा था कि जितना भी कट ऑफ का मैंने कहा कि कट ऑफ का टेंशन आप ना लें, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, अपने स्कोर पर ध्यान दें, क्योंकि अभी तक सब्जेक्ट का और सब्जेक्ट से रिलेटेड पोस्टों का ही पता नहीं है तो उस पर आप ना जाएं, क्योंकि एक प्रेशर अलग से ही बन रहा था उन लोगों पर जिन्हें कट ऑफ हाई बताई जा रही थी। तो एक वर्ग एक का एग्जाम अपने आप में टफ और उसमें कट ऑफ अपने आप में उससे भी ज़्यादा टफ, तो डबल प्रेशर झेलकर यदि इंसान एग्जाम में बैठता है तो आधी लड़ाई तो मन में पहले ही हार चुका होता है। तो इस हिसाब से उसका असर ज़्यादा ना पड़े कोशिश की थी कि उसे मैं आपको समझा सकूं कि इस पर ज़्यादा ध्यान ना दें। लेकिन जब मैंने 6 मार्च को, क्योंकि लास्ट एग्जाम चल रहे थे, अब कट ऑफ का कोई मतलब निकलता ही नहीं था उसके बाद, तो 12-13 मार्च या 14 मार्च को एक भाई ने मेरे पास कटिंग भेजी कि एक बहन ने आपके गलत कदम उठा लिया क्योंकि उनके कुछ नंबर कम रह गए थे वर्ग एक में और शायद 2-3 नंबर कम रह गए थे, 90 लाने थे उनको, तो उन्होंने वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें देख रखी होंगी जो कि सोशल मीडिया पर चलाई जाती हैं और उनका दिमाग में क्या चीज़ें चल रही थी इससे, और जबकि मैंने कहा था कि ये फाइनल नंबर नहीं है, नॉर्मलाइजेशन से लेकर बहुत सारी प्रक्रिया से गुजरनी होती है जिनमें आपके नंबर बढ़ते हैं और बहुत से लोगों के बढ़े भी, और बहुत से सब्जेक्ट ऐसे थे जिनमें आपको महिला रिजर्वेशन हो गया और महिला के साथ हैंडीकैप रिजर्वेशन हो गया तो कम नंबरों पर भी वहाँ पर आपका सिलेक्शन हो रहा था दोस्तों, ठीक है। महिला रिजर्वेशन है, पुरुष जो है उनके वर्ग से महिलाओं की जो कट ऑफ होती है वो थोड़ी कम रह गई रहती है तो वहाँ पर भी उनके सिलेक्शन के चांस बन जाते हैं दोस्तों, ठीक है। लेकिन उन्होंने जो भी कदम उठाया वो उनके परिवार के लिए, उनके लिए सही नहीं था। और वहाँ पर मैं फिर से वीडियो लाया कि भाई जब किसी की तबीयत पर असर पड़ने लगे और जब किसी की लाइफ पर असर पड़ने लगे तो वो चाहे चैनल हो,
चाहे कोई प्लेटफॉर्म हो, चाहे आप कुछ भी शेयर कर रहे हो, वो गलत है मेरी नज़रों में, क्योंकि इंसान की लाइफ से बड़ी दुनिया में कोई चीज़ है ही नहीं। ना तो कोई कंपटीशन है, ना कोई प्लेटफॉर्म है, ना कोई चैनल है, और ना कोई इंसान है। इंसान की लाइफ सबसे बड़ी होती है, और यदि इंसान की लाइफ उसके सामने है तो हम उसे कैसे बेटर बना सकते हैं अपनी बातों से, ये हमें प्रयास करना चाहिए। यदि कोई कोर्ट में जा रहा है अपने न्याय के लिए, तो वो एक अलग मुद्दा है, और न्याय के अनुसार उसमें फिर संशोधन हो जाएगा। लेकिन इस चीज़ को ऐसे पेश बिल्कुल भी ना करें कोई भी कि ये परीक्षा निरस्त होगी, रद्द होगी। इसमें संशोधन हो सकता है, और संशोधन हुए हैं, अभी तक संशोधन होते आ रहे हैं, आगे भी संशोधन होने की गुंजाइश है, संभावना है। लेकिन उसके चक्कर में ये कह देना कि जिनका सिलेक्शन हो चुका है अब उन्हें उम्मीद छोड़नी चाहिए क्योंकि भर्ती जो है वो निरस्त हो जाएगी, अपने आप में बिल्कुल ही गलत है दोस्तों। और ये आपको भी समझना चाहिए जो मेरे चैनल से जुड़े हैं, कि ऐसे सेंसिटिव लोग यदि कमेंट बॉक्स में आपको मिलते हैं, या आपके रियल लाइफ में मिलते हैं, या सोशल मीडिया के अन्य प्लेटफॉर्म पर मिलते हैं, उन्हें समझाएं और तर्कों के आधार पर समझाएं, क्योंकि यदि आप तर्क दोगे तो वो समझेंगे उस बात को, और डेफिनेटली फिर उससे वो लाभ लेंगे। तो मैं बात करता हूँ वर्ग एक और वर्ग दो की, कैसे भी ये परीक्षा निरस्त नहीं होनी है, आपकी ज्वाइनिंग लेटर निकल जाएंगी मई में, ठीक है, मई में आपकी चयन सूची फाइनल जारी हो जाएगी। उसके बाद उनमें संशोधन हो सकते हैं, और संशोधन होते आए हैं, संशोधन से इनकार नहीं किया जा सकता। संशोधन एक अलग चीज है, और परीक्षा निरस्त हो जाना एक अलग चीज है। दोनों ही बातों में जमीन आसमान का फर्क है। तो आपकी जो भर्ती हो रही है उसमें दो चीजें हमको ध्यान देनी है। आपकी पोस्टें बढ़नी चाहिए, यदि पोस्टें बढ़ती हैं तो सभी को लाभ मिलेगा, और नियम अनुसार जो भी विसंगतियां हैं उनमें संशोधन होना ही चाहिए, जिससे कि उन लोगों को लाभ मिल जाए जो कि उन विसंगतियों के चलते बाहर हुए। ये दो चीजें जरूरी है दोस्तों, पोस्ट बढ़ाना भी जरूरी है, विसंगतियां दूर करना भी जरूरी है। तीसरी बात, किसी चीज को उसी तरह पेश करो जैसे कि वो है। यदि आप कोई भी तर्क देकर और भर्ती नहीं होगी, भर्ती निरस्त होगी ये कहोगे, तो बहुत से सेंसिटिव लोग हैं, उनकी स्वास्थ्य पर तो असर पड़ेगा ही पड़ेगा, और भगवान ना करे कि कुछ और असर पड़े, उससे बेहतर है कि ऐसे वीडियो लाना वो लोग छोड़ दें जो कि इस मुहिम को लगातार यूज कर रहे हैं अपने चैनल के लाभ के लिए, व्यक्तिगत लाभ के लिए। तो आप व्यक्तिगत लाभ या चैनल लाभ ले भी लोगे तो वो ज़्यादा फलित नहीं होगा, क्योंकि उसमें किसी की आंसू होंगे, किसी की आहा होगी। तो प्लीज़ ऐसा ना करें, जो चीज़ जैसी है उसे वैसी ही पेश करें। ना कहें ये कि भर्ती प्रक्रिया अटक जाएगी, भर्ती प्रक्रिया निरस्त हो जाएगी, इनसे वो सेंसिटिव जो लोग हैं उन पर बुरा असर पड़ता है। भर्ती प्रक्रिया में संशोधन जरूरी है, यदि कोई विसंगति है, क्योंकि उन विसंगतियों के चलते यदि कोई बाहर हो रहा है और उसे वो चीज़ मिलनी चाहिए थी, तो डेफिनेटली संशोधन जरूरी है। पोस्ट बढ़ाना जरूरी है, पोस्ट बढ़ाने के लिए जिस मुहिम को जितना सपोर्ट कर सकते हैं चैनल उतना करना चाहिए, जिससे कि सभी भाई बहनों को लाभ मिल सके। तो एक अपील थी, कुछ मन की बातें शेयर करनी थी, और आपको ये बताना था कि 100% आपकी भर्ती निरस्त नहीं होगी, संशोधन होते आए हैं, संशोधन हो सकते हैं, नियम अनुसार आपकी भर्ती हो रही है और भर्ती होकर रहेगी। तो ये वीडियो ऐसा ही था, आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और जिन भाई बहनों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि अक्सर ऐसे वीडियो मैं लाता रहता हूँ। आपने इस वीडियो को देखने के लिए इतना समय निकाला, उसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद दोस्तों।